इजी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। डीमटीरियलाइजेशन, इस वीडियो में मैं आपको डीमटीरियलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो डीमटीरियलाइजेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में DEMAT भी कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट से पहले हम इसकी डेफिनेशन को जल्दी से रीड करते हैं। डीमटीरियलाइजेशन इज द मूव फ्रॉम अ फिजिकल सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपिंग। एक्चुअल स्टॉक सर्टिफिकेट आर स्लोली बींग रिमूव्ड एंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्कुलेशन इन एक्सचेंज फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। डीमटीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, उसने सर्टिफिकेट जो मतलब हार्ड कॉपी होती थी, हार्ड कॉपी पे डिटेल्स होती थी जो स्टॉक शेयर्स की या कोई घर का जो रिकॉर्ड है उनकी, उसको ख़त्म कर दिया है। कंपनी ने सारा जो कंपनी का शेयर्स हैं या जो गवर्नमेंट ने लोगों को जो प्रॉपर्टी दी हुई है, जो लोगों के नाम है, उनका जो रिकॉर्ड्स है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपिंग में कर दिया है। मतलब सारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कर दिया गया है, डाटा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो सारा जिसका जिसकी जिसके पास शेयर है उसका एक अकाउंट बना दिया जाता है और वो पेमेंट करता है और उसको डायरेक्टली उसका शेयर मिल जाता है। तो पहले क्या होता था कि ये जो सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता था, जो शेयर्स बेचते थे उनको पता होता था कि यार कल शेयर्स की प्राइस बढ़नी है, तो वो शेयर मार्केट में लोगों को बेचते नहीं थे। तो जब प्राइस बढ़ती थी तब बेचते थे और प्रॉफिट गेन कर जाते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट के फॉर्म को ख़त्म कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपिंग कर दी। और दूसरा इसका यह भी लॉजिक है कि जो पहले घर थे उनका जो रिकॉर्ड था कि ये किसकी मालकियत में है, ये किसकी ऑनरशिप में है घर, उसका सारा रिकॉर्ड सर्टिफिकेट की फॉर्म में कोर्ट्स वगैरह में होता था। तो ये भी उधर पैसे दे के लोग जो दो नंबर करप्टेड लोग थे उधर से पैसे दे के चोरी कर लेते थे या चेंज करवा लेते थे, क्योंकि हार्ड कॉपी में था तो उसमें रद्दोबदल करना थोड़ा इजी था तो वो कर लेते थे। उसको भी इन सिचुएशन को, क्रिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको भी इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपिंग में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो सारे घरों का रिकॉर्ड होता है, किसकी ऑनरशिप है, किसने किसने कितने पैसे दिए और कब ख़रीदा, किससे ख़रीदा, कितने पैसों में, किस सारी जो डिटेल्स हैं उस आदमी की जिसकी ऑनरशिप है, सारी कंप्लीट्स ब्रीफली जो सारी डिटेल होती हैं वो सारी लिखी होती हैं ऑनलाइन बुक कीपिंग में ऐड होती हैं। और उसकी एक छोटी सी रसीद या छोटा सा उसका कोई स्टाम्प वगैरह जो है, जो घर का ऑनर होता है उसको भी दे देते हैं एक एज अ वेरीफिकेशन, कि जो कोई कभी कोई रोला बने तो वो बता सके ये घर मेरा है। आई होप आपको डीमटीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।